आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ थे। आज की क्लास में मैंने आपके लिए टॉपिक लिया हुआ है अभिक्रिया की दर के व्यंजक की गणना। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है जो कि काफी मरतबा एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। बच्चों, आपको याद रखना है, मैं मान लेता हूं हमारे पास कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, और मैं आपको बता देता हूं कि कोई अभिकारक है जो कि उत्पादक ए है ना, बनाती है। मैंने यहां पर उत्पादक को महत्व दिया है, इसलिए मैंने आपको उत्पादक दिखाया है। हम इस चैप्टर में बच्चों जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं उसको हमको यहां पर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर उत्पादक को महत्व दिया, इसलिए मैंने उत्पादक को ए मान लिया। बच्चों, दरनियम आपको मैंने बताया था कि दरनियम के अनुसार, दरनियम से आप जानते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है ना, अभिक्रिया की दर ये समानुपाती होती है सांद्रण के, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो अभिक्रिया की दर को मैं उत्पादक के लिए जब लागू करूंगा तो ये हो जाएगी प्लस, ठीक है, डीए अपॉन डीटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का सांद्रण, ठीक है। बच्चों याद रखिए, मैंने यहां पर इसकी पावर 1 रखी है, इसका मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहां पर मान के चल रहा हूं मैं, वो प्रथम कोटि की है ना, ये प्रथम कोटि के लिए है, ठीक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैं आपको ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा डीए अपॉन डीटी, मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को रिमूव करता हूं तो यहां पर के आ जाएगा, डॉट ए आ जाएगा, ठीक है। मैं फाइनली क्या करता बच्चों, यहां पे डीए को, ये जो डीटी है ना डीटी, इस डीटी को मैं ए से इंटरचेंज करता हूं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डीए अपॉन, इस ए को मैं इसके अपॉन में लिख लेता हूं, ब्रैकेट ए इज इक्वल टू के डॉट डीटी, और इसको मैं बना देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों? ये जो समीकरण 1 है, ये एक तात्क्षणिक वेग का समीकरण है। यहां पे समझिएगा, समीकरण 1 जो है वो तात्क्षणिक वेग समीकरण कहलाता है, या तात्क्षणिक दर समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तात्क्षणिक मतलब छोटे समय के लिए, अगर हम पूरी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए निकालेंगे तो हम समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 का समाकलन कर लीजिए आप, तो समीकरण 1 के समाकलन से, बच्चों जैसे हम समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, हम दोनों पक्षों का समाकलन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन ए इंटू डी ए, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है बच्चों, कांस्टेंट है के, समाकलन के अंदर 1 बचेगा इंटू डी डी बचेगा, ठीक। बच्चों 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसका समाकलन के लिए फॉर्मूला लॉग के साथ चलेगा, तो ये हो जाएगा लॉग, तो यहां पर हम एल एन लॉग लिखेंगे, ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू के P प्लस एक कॉन्स्टेंट मैंने क्या ले लिया, C ले लिया। बच्चों यहां पर समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि हमने यहां पर अभिक्रिया दर के आधार पर इतनी चीजें हमने अभी तक लागू की। बच्चों इसको हम बना देंगे अपना समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां पर कुछ इनिशियली हम वैल्यू अपनी अप्लाई करेंगे, प्रारंभिक मान, तो हम यहां पर लिख लेंगे माना समय P बराबर 0 पर, जब समय आपका प्रारंभिक समय t बराबर 0 हो तब समीकरण 1 से। तो बच्चों उस कंडीशन में आप देखेंगे जो a की वैल्यू है वो a नॉट के बराबर आपको प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में जब आप ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ln a 0 इज इक्वल टू के, t की वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू c। तो बच्चों फाइनली c का मान आ जाएगा ln a नॉट, ठीक है। इसको आप बना देंगे समीकरण 2, 1 से 2 में, 1 में 2 से c की वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण 1 में c का मान रख दीजिए। तो बच्चों फाइनली जो 1 था वो था ln a इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक है। ये 3 मैं इसको लेट करता हूं, या अभी मैं इसको 3 नहीं बोलता हूं क्योंकि फिर वो मिसमैच होगा थोड़ा सा। चलिए तो अब वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो यहां पर मैं वैल्यू किसकी रखने जा रहा हूं, सी की, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ln a इज इक्वल टू के टी
प्लस सी को हटा के ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, जितनी भी ln वाली वैल्यू सबको एक साइड कंसीडर कर लेंगे बच्चों, तो ये इक्वेशन को जिस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ln a, उसके पीछे आ जाएगा माइनस ln a नॉट और इज इक्वल टू kt। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मुझे k का मान निकालना है, तो k का मान जब मैं निकालूंगा तो इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे log का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ln, ठीक है, a अपॉन a नॉट हो जाएगी बच्चों ये वैल्यू। फाइनली यहाँ पे मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t ln a अपॉन a नॉट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, ये हमारा अभिक्रिया दर के लिए क्या है, गणितीय रूप है। बच्चों इसको हम आधार 10 वाले लॉग आधार में भी चेंज कर सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूं, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 को, ठीक है, समीकरण 3 को ln को log में बदलने पर, ठीक है, तो हम ln को क्या करेंगे, log में बदलने पर। तो क्या करना है आपको, मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं कि जो ln log है इसका बेस e, तो ये 2.303 log log बेस 10 के क्या होता है, बराबर होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे, यानी आप ln को हटाकर log में जब बदलेंगे तो उसमें 2.303 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी k is equal to 2.303 upon t, और ये हो जाएगा बच्चों log log a upon a naught, that's it। ठीक है, तो ये एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो बच्चों, ये अभिक्रिया की दर के लिए व्यंजक होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से यहां पर अगला प्रश्न भी आपके सामने ले लेता हूं, और वो मेरा अगला प्रश्न है अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। बच्चों अभिक्रिया का अर्ध आयु काल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसकी प्रारंभिक मात्रा का आधा संपन्न होने में लगने वाले समय को उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं बच्चों, अर्ध आयुकाल कहते हैं। बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा इस डेफिनेशन को, इसे टी हाफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित, इसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक नियत पद होता है, यानी कि बच्चों अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो नियत होता है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक उदाहरण से समझेंगे, ध्यान लीजिए। अगर मैं बोलता हूं बच्चों हमारे पास कोई अभिकारक है, मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रारंभिक मात्रा हमारे पास 10 केजी है, समझ लीजिए। अब ये किसी उत्पादक में बदलता है, तो मैं आपसे बोलता हूं कि टी बराबर या टी हाफ बराबर 30 मिनट है ना, 30 मिनट, तो 30 मिनट बाद ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का 5 केजी उत्पादक बना लेता है, यानी 5 केजी अभी भी अभिकारक बचा। अब वो 5 केजी जो उत्पादक है ये उसी टी हाफ यानी 30 मिनट के बाद ही है ना, 30 मिनट के बाद ही, अगले 30 मिनट के बाद ये 1/2 केजी में विघटित होगा अगले उत्पादक में। ठीक है, फिर ये 1/2 जो केजी है ये अगले 30 मिनट में, अब उसका भी क्या होगा, 1/4 हो गया, 1/4 केजी होगा, यानी ये जो टाइम आप देख पा रहे हो ना, ये टाइम आपका बिल्कुल फिक्स होगा। इस तरह से मैंने यहां पर बोला कि ये वैल्यू जो है वो नियत होती है। बच्चों हम अर्धायु काल के लिए जल्दी से गणितीय रूप भी निकाल लेंगे, तो देखिए व्यंजक अर्धायु काल के लिए, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, अर्धायु काल के व्यंजक को समझने के लिए पहले मैं अभिक्रिया दर का व्यंजक आपके सामने ले लेता हूं,
अभिक्रिया दर, तो 03 अपॉन टी लॉग ए, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। हम यहां पे लिख देते हैं माना जो ए नॉट है बच्चों, ये प्रारंभिक मात्रा है, तो इसको आधा करता हूं तो ये उसकी अंतिम मात्रा के बराबर हो जाएगा, और यहां पर जो टी है उसी को मैं टी हाफ कह रहा हूं, ठीक है ना, यानी जो कुल समय है जब वो आधा रहेगा तो उसकी प्रारंभिक मात्रा जो अंतिम मात्रा के बराबर प्राप्त होगी। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो बच्चों समीकरण 1 से, ठीक है, देखिए क्या प्राप्त होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण 1 में जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू, मैंने लिखा था समीकरण k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a, ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है। अब मैं चेंज कर रहा हूं वैल्यू, तो k इज इक्वल टू 2.303, t को हटा के मैं लिख देता हूं t हाफ log, बच्चों a नॉट रहेगा और a के रिप्लेस करके मैं लिख दूंगा a नॉट बाय 2, ये 2 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी लॉग 2 ए नॉट अपॉन ए नॉट, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, फाइनली यहां पे आ जाएगा लॉग 2। बच्चों आपको याद रखना है कि जो लॉग 2 होता है ना, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये लॉग 2 की वैल्यू होती है, तो इस log 2 को हटाकर हम उसकी वैल्यू का इस्तेमाल कर लेंगे, तो 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, बच्चों जब इस वैल्यू को गुणा कर देंगे आप फाइनली, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। फाइनली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने दिखेगा वो होगा k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k टी हाफ, सॉरी टी हाफ, ठीक। तो ये जो एक रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हमारे अभिक्रिया के अर्धायु काल के लिए क्या आ जाएगा बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो अभिक्रिया की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो रासायनिक पदार्थ उसकी प्रारंभिक और अंतिम मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।